हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ किला देखने के लिए। आज है संडे और मेरा 8 दिन हो चुका है जयपुर में, तो आज फिर से घूमने के लिए निकले हैं। और आज मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है और मेरे जीजू भी हैं। हेलो गाइस, हेलो। ये लोग भी दिल्ली से आ गए हैं, मेरे को ज्वाइन किए हैं, तो इन लोगों को भी घुमा रहा हूँ। नाहरगढ़ जाने के लिए हमने कैब बुक की थी उबर, और 324 रुपीज़ में हम नाहरगढ़ पहुँच गए। इन्होंने बाहर गेट के छोड़ दिया और वहाँ से थोड़ा सा आपको वॉक करके अंदर तक जाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर गाड़ी बुक करके आते हैं, जैसे कि सारा दिन के लिए कर लिया या घंटों के हिसाब से बुक करके आते हैं, तो आपको गाड़ी अंदर तक लेके जाएगी। अगर आप नहीं आते हो, कैब वैब से आते हो, तो आपको बाहर ही छोड़ देगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए ऐसे ही आ गए और चल के जाते हैं और अंदर जाकर किला देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये है बाहर का सीन सिनारा। हम किले के द्वार तक पहुँच रहे हैं अभी। यहाँ पार्किंग एरिया है और ये सारे टूरिस्ट की भीड़। टिकट लेने के लिए आ गए हैं। 50 रुपये जो है पर पर्सन टिकट रेट है। और यहाँ देखो लंबी लाइन लगी हुई है, उतनी लंबी भी नहीं है, 5 से 10 मिनट में हो जानी चाहिए। इसके अंदर जो है रैक्स म्यूजियम है और फीस महल है, जो कि बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी अलग से टिकट है। इस 50 रुपये के टिकट में ये इंक्लूड नहीं है। इसका कितना टिकट है प्राइस मैं आपको पूछ के बता दूंगा। फिलहाल यहाँ देखने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो अंदर ये पैलेस है, ठीक है, क्वीन का, और इस तरफ जो है सिटी व्यू है। और हमें यहाँ देखिए क्या मिला, ये इतना बड़ा संदूक है यार, और इसमें इतना बड़ा ताला, बहुत ज़्यादा बड़ा है। चाबी देखो यार, अरे वाह, कितने लोगों को इसमें एक साथ पैक करके जो है पार्सल किया जा सकता है। नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर से आपको ये व्यू दिख जाएगा जयपुर का, यही वो व्यू पॉइंट है इस तरफ। आज बहुत ही हल्का हल्का धुआं धुआं दिख रहा है, शायद शाम होगी तो बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा, तेज नहीं आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या बना हुआ है। बाबरी, वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बाबरी में एकत्रित होता था, मतलब ये वाटर स्टोरेज है उस टाइप का। देखिए बारिश के पानी को किस तरह से रीस्टोर करके यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर से नीचे जाने के लिए। अगर आप चलते चलते थक गए हैं, बहुत धूप लग गई है, तो आप यहाँ आराम से विश्राम कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल गई है। ये है टाँका। बीते समय में गौरव महलो दुर्ग में वर्षा का जल संचित एवं सुरक्षित रखने टाँकों का निर्माण कराया जाता था। ये भी वही है, बाबरी का एक पार्ट है, ये भी जल स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। जैसी श्री माधवेंद्र भवन, यही है वो मेन पैलेस जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इधर से एंट्री किया जाए। ये पैलेस का बाहरी हिस्सा इस तरह से है। Thank you.
अंदर जो है मास्क लगाना ज़रूरी है, और अंदर घुसने के बाद आपको ये चारों तरफ से आप गेट बना हुआ है, आप एक इस तरफ से है, इस तरफ से है और इस तरफ से भी है। आपको अगर अच्छे से घूमना है तो आप ट्राई करो कि एक तरफ से एंट्री ले, सपोज़ मैं राइट साइड से घुस रहा हूँ और लेफ्ट साइड से घूमते हुए निकल जाएँ, तो अदरवाइज़ इधर उधर में मिस हो जाएगा। तो ये चलिए हमने घूमते इधर, ये रिस्टोरेशन किया हुआ है ये पैलेस, और पेंटिंग जो है नई ही दिख रही है। ये भी सवाई जयसंग फर्स्ट के टाइम में बना हुआ था, जो 1734 ईस्वी का टाइम का था, और बाद में फिर ये भी जो आमेर फोर्ट का ही एक हिस्सा मान के चलो, उसी का एक्सटेंशन है ये। तो अंदर का ऐसा नज़ारा है, यहाँ के आर्किटेक्चर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये सब पेंटिंग तो नई दिख रही है बट काफ़ी खूबसूरत। ये इस तरह से देखिए आग जलाने के लिए होता था पहले, जहाँ में इसके नीचे आग जलाई जाती थी यहाँ से, और इसका अंदर से सिस्टम होगा कि धुआं बाहर निकलने का, तो इसकी कांच जो है ये रंगीन बनी हुई है। यहाँ मैं आ गया हूँ सामने की तरफ बीच वाला, और देखिए ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, और रूम की बनावट जो है लगभग सब एक ही जैसा है। रास्ता जाता है सामने से, इधर से नैरो सी सीढ़ी बनी हुई है, अभी हम यहाँ नीचे से शूट कर गए थे और ऊपर आने के बाद हम जा रहे हैं। सामने का ये हॉल है और इसको तीनों तरफ कमरे बने हुए हैं, और यहाँ विंडो से आपको व्यू दिखाई देगा खूबसूरत जयपुर। वाव, बहुत सारी कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भजन हो रहा है, अगर हम नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ से दिखाएंगे। फिलहाल तो आप इस व्यू का आनंद लीजिए जो आपको नाहर टाइप की वजह से दिखाई दे रहा है।